इजिप्ट। इजिप्ट देश के बारे में कौन नहीं जानता। इजिप्ट की रेत में हजारों करोड़ों रहस्य दफन हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। और जब जब इजिप्ट के इतिहास के पन्नों को पलटा गया, तब तब ऐसे रहस्य सामने आए जिसे सुलझाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चाहे बात हो इजिप्ट के पिरामिड के बारे में या फिर इजिप्ट की ममी के बारे में, ये देश हमेशा ही रहस्यों का गढ़ रहा है। यहाँ तक कि इजिप्ट के पिरामिड को एलियन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है कि ये इतने बड़े कैसे बनाए गए। इस पर थ्योरी तो काफ़ी सारी है, लेकिन पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं। आज हम इस वीडियो में इजिप्ट के पिरामिड के बारे में बात नहीं करने वाले। दरअसल आज हम इस वीडियो में इजिप्ट पर राज करने वाली सबसे खूंखार और सबसे क्रूर रानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा जो कि इतिहास की सबसे खूंखार और सबसे खूबसूरत हसीना मानी जाती थी, और कैसे उसके अंत की शुरुआत हुई और कैसे उसने हजारों मर्दों के साथ संभोग किया, उसके साथ नाजायज संबंध बनाए। वैसे तो आपको यूट्यूब पर क्लियोपेट्रा के बारे में काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आज इस वीडियो में आपको क्लियोपेट्रा के बारे में पूरा सच जानने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, अनसीन सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा के बारे में जानने के लिए हमें 30 ईसा पूर्व इजिप्ट में जाना होगा। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसका रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला आज भी जारी है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह जितनी सुंदर थी उससे कई ज़्यादा चतुर और क्रूर थी। क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती पर हर कोई सम्मोहित हो जाता था, और अपनी खूबसूरती के बलबूते पर वो किसी को भी बड़ी आसानी से अपने प्रेम जाल में फंसा लेती थी। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु उस वक्त हुई जब क्लियोपेट्रा महज 14 साल की थी, और वसीयत के अनुसार क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन क्लियोपेट्रा के भाई को ये मंजूर नहीं था, और उस वक्त पुरुषवादी सोच वाला समाज होता था, और इसी के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया, और देखते ही देखते क्लियोपेट्रा के खिलाफ उसका भाई विरोध कर बैठा, और देखते ही देखते पूरा राज्य क्लियोपेट्रा के खिलाफ विरोध में उतर आया, और इन्हीं सभी कारणों के चलते क्लियोपेट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने राज्य से भागने के बाद सीरिया पहुंच गई, लेकिन उसके मन में इतना जहर हो गया कि वो सबको ख़त्म कर देना चाहती थी और अपने राज्य को वापस से हथियाना चाहती थी, और मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपेट्रा ने रोम के शासक यानी जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली, और अपनी खूबसूरती के कारण उसकी ये चाल कामयाब रही, और उसके रंग रूप से सम्मोहित होकर जूलियस सीजर ने तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसे हाँ कर दी। और देखते ही देखते क्लियोपेट्रा और सीजर ने मिलकर एक प्लान बनाया, और उसी प्लान के चलते सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और क्लियोपेट्रा के भाई टोलेमी को मार गिराया, और क्लियोपेट्रा को फिर से मिस्र की राजगद्दी सौंप दी। और ये सब देखकर क्लियोपेट्रा काफ़ी खुश थी, और देखते ही देखते दिन बीते रात बीती, और उसके बाद वो रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। लेकिन रोम के लोगों को ये सब नापसंद था, और इसी के चलते रोम के लोगों में आक्रोश भर गया, और रोम के लोगों ने ही सीजर की हत्या करवा दी। और सीजर के जाने के बाद क्लियोपेट्रा काफ़ी अकेली हो चुकी थी, और वो काफ़ी उदास और हताश रहने लगी। लेकिन फिर उसकी एक दिन एक सेनानायक से मुलाकात हुई जिसका नाम था एंटनी, और एंटनी काफ़ी खूबसूरत मर्द था, और एंटनी को देखते ही क्लियोपेट्रा को उससे प्यार हो गया। लेकिन इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे, और किसी भी हालत में मिस्र की ही एक औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, और फिर से साजिश रची गई। और जब एंटनी युद्ध करने गया तो उसे ये गलत अफवाह बताई गई कि अब क्लियोपेट्रा इस दुनिया में नहीं रही, और ये बात सुनकर एंटनी को इतना ज़्यादा सदमा लगा कि उसने
अपनी ही तलवार पर गिरकर अपनी जान ले ली। और अब रोम के दो दुरंधर गिरने के बाद अब रोम की गद्दी ओक्टावियन के पास चली गई और क्लियोपेट्रा ने ओक्टावियन को भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ओक्टावियन काफ़ी चतुर था और ओक्टावियन को फंसाना क्लियोपेट्रा के लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो क्लियोपेट्रा की हकीकत जान चुका था कि वो कितनी क्रूर और प्रचंडकारी है। और इसी के चलते अब क्लियोपेट्रा की बारी थी और अब ओक्टावियन ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ एक साजिश रची और उसी साजिश के चलते ओक्टावियन ने एक जहरीले सांप से क्लियोपेट्रा को कटवाकर उसकी मृत्यु करवा दी। और इसी के चलते 30 ईसा पूर्व क्लियोपेट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोम का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत थी, जिसने 3 ताकतवर पुरुषों को अपनी मुट्ठी में रखा और उसकी सुंदरता पर काफ़ी चित्रकारों ने मूर्ति भी बनाई। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वो एक चतुर नेता थी, और यही कारण था कि वो किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी। लेकिन क्लियोपेट्रा की सबसे बड़ी कमजोरी थी मर्द। उसने हर रोज़ अपने हम बिस्तर पर एक नया मर्द चाहा और इसी के चलते क्लियोपेट्रा की हजारों मर्दों के साथ नाजायज संबंध भी थे। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था और क्लियोपेट्रा को जो भी अपने लिए खतरा महसूस होता था उसे अपने रास्ते से हटवा देती थी। लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में क्लियोपेट्रा के हजारों राज दफन हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ उसके अंत की और उसकी शुरुआत की कहानी है। उसके बीच कैसा शासन हुआ, वो कैसी महारानी थी, उसने क्या क्या काम किए। महज 17 साल की उम्र में ही उसने ऐसे ऐसे काम किए जो काफ़ी आश्चर्यजनक थे, लेकिन आज भी काफ़ी सारे राज इजिप्ट में दफन हैं। तो आज आपने इस वीडियो में क्लियोपेट्रा की पूरी सच्चाई जानी कि कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे उसका अंत हुआ, क्या क्या उसने किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी जो कि क्लियोपेट्रा, क्या उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सच में ऐसे ऐसे काम किए थे? सवाल काफ़ी सारे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।